खरगोन के बिस्तान रोड की दुकानों पर एक के बाद एक हो रही लगातार चोरियों से व्यापारियों में दहशत का माहौल व्याप्त है, जिसे लेकर व्यापारी थाना कोतवाली पहुंचे और थाना प्रभारी के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान व्यापारी मीडिया से रूबरू हुए और बताया कि बिस्तान रोड की दुकानों पर विगत 15 दिन से लगातार चोरियां हो रही है और चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चले हैं कि बेखौफ होकर रात के अंधेरे में एक के बाद एक चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। व्यापारियों ने यह भी बताया कि थाना प्रभारी ने 5 दिन की अतिरिक्त व्यवस्था करते हुए आश्वासन दिया कि पुलिस जवान की कमी के चलते खुद की व्यवस्था करना होगा। ये पड़ोस में मेरी दुकान के साइड में वो अंबिका मोबाइल शॉप पर चोरी हुई है और जस्ट उसके सामने चांदोरे मोबाइल पर भी चोरी हुई है और आज की रात में हमने जो लगभग पता किया 6 दुकानों पर चोरी हुई है और ये चोरियाँ सर आज से नहीं हो रही है। 24 तारीख को मेरी दुकान पर चोरी हुई थी, गुरु मोबाइल पॉइंट है मेरी और उसमें लगभग 10,000 की चोरी हुई थी और उसके जस्ट साइड में 5 दुकान है नर्मदा पान, वहाँ पर भी चोरी हुई थी और ये 24 को हुई थी और 27 को नागराज पान पर चोरी हुई थी और उसके बाद 3 दुकानों पर उस दिन भी चोरी हुई थी। ऐसे लगत चोरी हो रही है, हर मतलब डेट वाइज कर 5-5 दिन के गैप पर डेली चोरियां हो रही है, हर 5-6 रोज की डेट पर गैप पर मतलब चोरियां हो रही है। तो सर ये आवेदन तो हम थाने पर दे रहे हैं लेकिन आवेदन देने से चोर नहीं पकड़े जा रहे, समस्या वो है। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है कि आप आवेदन दे दीजिए या फिर कोई बोले आप चौकीदार रख लीजिए, बोले हम 5 दिन की व्यवस्था करते हैं उसके बाद आप किसी चौकीदार की व्यवस्था कीजिए। 5 दिन की क्या व्यवस्था करेंगे हम? क्योंकि कांस्टेबल वहीं रखेंगे, बोले एक मतलब वहाँ रखेंगे एक कांस्टेबल, तो बोले उसके बाद क्योंकि आपको व्यवस्था करना पड़ेगी चौकीदार या तो आपको स्वयं को रखना पड़ेगा। साइकिल से सिटी बजा के जाता है आता है बट वो सिंगल है, एक हड्डी है, साइकिल से चलता है, कॉलोनी वालों को भी इसमें सहयोग है तो कॉलोनी में भी घूमता है। अब वो सब जगहों तो जा नहीं सकता, वो पर्टिकुलर एक जगह खड़े भी नहीं रह सकता, अगर वहाँ एक जगह खड़ा हो जाएगा तो दुकानदार कितना का देगा, एक दुकानदार कितना देगा, मतलब जिस तरह से कहा जा रहा है प्रशासन के द्वारा कि आप जो है अपनी व्यवस्थाएँ करें तो क्या हर दुकानदार करेगा? और इस हिसाब से तो अगर मान लो 24 दुकानदार 25 दुकानदार जो पर्टिकुलर इतने एरिए में हैं, उस 100 मीटर के दायरे में है, अगर वो सब भी मिलके पैसा करके उसको देते हैं तो 100 मीटर के दायरे में भी घूमने में उसको आधा घंटा लगेगा और 2 घंटे नाके पे चोर रहने के बाद यदि PRC पुलिस की गाड़ी पुलिस प्रशासन की गाड़ी नहीं पकड़ पाई तो वो चौकीदार आधे घंटे में क्या पकड़ लेगा? और अकेला गाड़ी आई है, गाड़ी खड़ी है, गाड़ी खड़ी आके 2 मिनट रुकी और चली गई, बाकी कोई बाहर नहीं उतरा तो चोर छिपे हुए थे वहीं दुकान के काउंटर के नीचे। ये सब कुछ सीसीटीवी में है, दिख रहा है, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है, उसकी गाड़ी का हार नमस्ता हुआ है, गाड़ी स्टॉप मार रही है, गाड़ी में से कोई नीचे नहीं उतरा है, सब दिख रहा है, गाड़ी से नीचे नहीं उतर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, 2 मिनट गाड़ी ये स्टॉप दे रही है, बस राइट साइड गर्दन हिला के देख लिए और चलते बने। मतलब चोर सतर्क है, पुलिस चोर सतर्क है और पुलिस सुस्त है। तो टीआई साहब क्या बोल रहे हैं अभी? मतलब सीसीटीवी फुटेज होने के बाद भी आपने बताया सर को? सर पिछले 15 दिनों में लगभग 20-24 चोरियां हो चुकी हैं, जिसमें 14 FIR दर्ज हो चुकी है जो प्रॉपर बिस्तान नाका क्षेत्र की है और इन प्रॉपर 14 FIR में कम से कम ये मान लीजिए सभी दुकानदारों का छोटा मोटा बड़ा सब मिला के 1-1.5 लाख रुपए का सामान जा चुका है, प्लस जो नुकसान हुआ है वो अलग है। प्रशासन का ये कहना पड़ रहा है कि हम आपको 5 दिन का अभी पॉइंट दे देते हैं, 5 दिन में आप अपने लिए पर्टिकुलर कोई चौकीदार या कोई भी व्यवस्था आप देख लें, जो आपकी जो दुकानें हैं नाके क्षेत्र की 20-25 जो भी हैं आप सब उनका चंदा करके या कुछ भी करके उसका भरण पोषण का पैसा दें और वो उतने टाइम वहाँ बैठेगा, हमारी PRC और हमारा जो जवान उधर रहेगा वो उसकी देखरेख और उसकी मदद करा करेगा, बाकी व्यवस्था आपको अपनी पर्टिकुलर करना पड़ेगी। मतलब शहर में पुलिस का कोई खौफ नहीं है? कोई खौफ नहीं है, मतलब कॉलोनियों में सभी जगह सेल्फ व्यवस्था करना पड़ेगी। हाँ, इनके जो वक्तव्य हैं श्रीमान TI साहब के और प्रशासन के अन्य अधिकारियों के, उनका पर्टिकुलर एक ही शब्द है कि आप अपनी व्यवस्था खुद करिए, अपनी सुरक्षा खुद करिए, क्योंकि हम मात्र रात के लिए 12 जवान हैं, मेरे पास पॉइंट भी उतने हैं तो मैं ज़्यादा व्यवस्था नहीं कर सकता, आपको अपनी व्यवस्था स्वयं करना पड़ेगी। जवान कम होने की असमर्थता जता रहे हैं? जवान की असमर्थता बता रहे हैं, सिर्फ 12 जवान बता रहे हैं जो कि बोले पर्याप्त नहीं है और इससे अधिक